खालिस्तान समर्थक कनाडा में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ये सब पहली बार नहीं हो रहा बल्कि लंबे समय से हो रहा है। अब क्योंकि ये हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन हमलों की कड़ी निंदा की गई। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कनाडा में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत का विपक्ष मौन क्यों है? क्या इस विपक्ष को कनाडा में रह रहे हिंदुओं की फिक्र नहीं? आखिर ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए जा रहे हमलों के प्रति मौन है? ये खालिस्तान समर्थक न केवल हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं जब इन्हीं खालिस्तान के समर्थन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुतले को गोलियों से भूनते हुए परेड निकाली थी। ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा बल्कि बीते कुछ समय से लगातार देखा गया है। ऐसे में सवाल उठेंगे और जरूर उठेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों एक शब्द भी कनाडा के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते? क्या ये भाई बहन अपनी दादी इंदिरा गांधी के लिए भी आवाज नहीं उठाना चाहते? मेरा सवाल उन सभी लोगों से है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आपको राहुल गांधी इतने ही जिम्मेदार लगते हैं तो क्या ये राहुल गांधी का फर्ज नहीं था कि वो कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दो शब्द कहीं, उसकी निंदा ही कर दें? देखने वाली बात यह है कि दोनों भाई बहन इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के वक्त गाजा के समर्थन में खूब बात करते नजर आते हैं, पर भारतीय मूल के हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी साध लेते हैं। प्रियंका गांधी ने तो न जाने कितने ही पोस्ट गाजा और हमास जैसे आतंकी संगठन के समर्थन में किए, मगर आज कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया गया। चलिए हिंदुओं को भूल ही जाए, कम से कम अपनी दादी इंदिरा गांधी के लिए तो आवाज उठाएं, मगर नहीं, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी दादी को भी शायद भूल गए हैं। ये बात और है कि कांग्रेसी हर दो महीने में एक बार प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी के नाक का मिलान जरूर करते हैं। ऐसे में अगली बार जब चुनाव में ये दोनों भाई बहन मंदिर जाते दिखे या हिंदू हिंदू चिल्लाते दिखे तो सवाल जरूर उठने चाहिए कि खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठाते जो कनाडा में रह रहे हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं।